और सभी को नमस्ते। आप सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। जी नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते दीदी, जी जी स्वागत है भैया आवाज आ रही है आपका। मेरी? जी जी भैया आवाज आ रही है। तो ये कल का असाइनमेंट था, तो जिन्होंने भी ये असाइनमेंट किया है और अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग शेयरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सत्र में, जिसमें हम अभ्यास एक कर रहे हैं और स्टेप 1 2 3 को मिलाकर बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरी आवाज आप तक नमस्ते पहुंच नमस्ते भैया जी, आवाज आ रही है जी। आपकी। सर मैं अभी इंग्लिश सेशन जो है उसके साथ भी जुड़ा हुआ था, नॉर्मली मैं जुड़ा रहता हूँ उसके साथ भी। तो अभी उसमें ये जो असाइनमेंट था जिसमें हमने ऑब्जर्व करना था कि अपने प्रेजेंट में पास्ट में हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे खिन्न हो जाते हैं, हमारा व्यवहार जो है वो अनप्लेजेंट होता है, हमारी फीलिंग्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें एक चीज का डिस्कशन रहा, मैं बात करना चाहता था कर नहीं पाया, तो वो एक ही चीज के ऊपर फोकस था। आज का जो सेशन था वो था ओनली फियर। तो शायद मैं कल उनके साथ भी बात करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो असाइनमेंट था वो शायद सिर्फ एक आस्पेक्ट जो फियर का है हमारी लाइफ में उसके ऊपर ही फोकस्ड नहीं था, बल्कि ये असाइनमेंट तो उन सारी चीजों के ऊपर फोकस था, पास्ट की प्रेजेंट की, जो हमें अनप्लेजेंट फीलिंग्स देते हैं। तो मैंने कुछ एक ऑब्जर्वेशन लिखी हैं, ठीक या गलत का तो जी नहीं कह सकता, लेकिन मैं शेयर जरूर करना चाहता हूँ कि मैंने मेरे को क्या जी लगा कि कैसी चीजें हैं जो मेरे को अफेक्ट करती हैं। उसमें कुछ एक ऐसे हैं जैसे थैंकलेस लोगों के साथ काम करना। तो बहुत कोशिश करते हैं किसी व्यक्ति के लिए ऑर्गेनाइजेशन में या घर में या रिलेटिव्स के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर, तो भी मतलब उनको उसकी रिकॉग्निशन नहीं होती। तो आपको कई बार ये फील होता है मैंने तो मतलब अपने हद से पार जाके ये सब कुछ करने की कोशिश की, और वो कई बार एक हिंदी की कहावत भी है कि बकरे की जान गई और खाने वाले को स्वाद नहीं आया। तो ऐसी फीलिंग भी होती है। कुछ एक शेयरिंग है इसी के साथ जुड़ी, जैसे मान लो कोई छुट्टी है, गजेटेड हॉलीडे है, सरकार ने छुट्टी अनाउंस कर दी, लेकिन कॉलेज वाले तब भी आपको कहते हैं कि नहीं भाई लोग तो यू आर सपोज टू बी, हम तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऑटोनोमस बॉडी है, तो हमारे पास बहुत सा काम है। तो आपकी फीलिंग्स वहां भी कई बार हर्ट होती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, घर के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर पक्षपात की स्थिति बनी रहती है। ये बात मैं पहले भी करना चाहता था, कोई पॉइंट नहीं बन पाया, तो आज मैं यहाँ पे प्रोफेशनल पक्षपात की बात करता हूँ जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। ये नहीं मैं कहता कि हम ठीक ऑब्जर्व करते हैं, हो सकता है हमारी ऑब्जर्वेशन ही गलत हो, लेकिन कई बार हम सबको ही ये फील होता है कि नॉन डिजर्विंग, नॉन कॉम्पिटेंट लोग जो है उनको ज्यादा तरजीह दी जा रही है, उनको ज्यादा बेटर सिचुएशन जो है वो मिल रही है या बेटर प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं। इसी तरह से अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, पिछले 23 24 साल से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हूँ, अच्छा रास्ता दिखाने के बावजूद बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं हमारे सामने। हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर पाते, ये दुख देती है बात। कई बार अपने परिवार में ही अपने बच्चों की मनमानी जो है जो वो भी हमें खिन्न कर देती है। समाज में गरीब दीन दुखी लोगों को दयनीय स्थिति में देखना, जिस स्थिति को हम अकेले सुधार नहीं सकते उसकी कोशिश जरूर कर सकते हैं, और मेरे को लगता है कि सभी लोग यथाशक्ति इसकी कोशिश कभी ना कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते ही रहते हैं। बच्चों का बहुत महंगी गाड़ी को चूज कर लेना जो आपके शायद बजट से बाहर है, जो आपकी मैनेजमेंट से बाहर है, जो आपकी कॉम्पिटेंसी से बाहर है, जो आपकी कैपेसिटी से बाहर। परिवार का जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, शायद जिनकी जरूरत नहीं है वो भी आपको खिन्न करता है। समय के साथ, जैसे आई एम 58 नाउ, तो समय के साथ अपनी सेहत में गिरावट का, साथ ही समय के साथ वर्क एफिशिएंसी जो है उसका कम हो जाना, जो मैं 10 साल पहले कर सकता था, जो मैं 15 साल पहले कर सकता था, जो पिछले 2 साल में कर सकता था, शायद मेरी वर्क एफिशिएंसी जो है वो नहीं रही। इसको मैं फिजिकली भी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि ये एक फीलिंग की बात है, इसको मैं फिजिकली भी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि भाई मैं उस कैपेसिटी के साथ, उस मतलब कॉम्पिटेंस के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ, उस विगर के साथ
अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना पहले कर पाता था, ये भी एक दुख का कारण है। हमेशा काम को परफेक्शन के साथ कर और करने की कोशिश करना, ये भी एक परेशानी का कारण है। दूसरा, हर एक चीज को समय की सीमा के अंदर करना कि भाई आज ये 10 तारीख को ये काम होना चाहिए था, कॉलेज में ये जमा होना चाहिए था, वो मैंने तो कर दिया, लेकिन जो मेरे साथ 10-20% 50% लोग हैं उन्होंने नहीं किया, तो मैंने ओवर द इयर्स ये ऑब्जर्व किया कि उनको नुकसान तो नहीं हुआ और मेरे को कोई फायदा भी नहीं हुआ। सिर्फ एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो सकती है इसकी कि भाई मैंने किसको किया। उसके बाद अपने ही व्यवहार से दुखी होना जब मैं दूसरों के साथ ऑपोजिशन या डिसहार्मनी में रहता, देखिए हमारा व्यवहार खराब होता है लोगों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं, पत्नी के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, दोस्तों के साथ होता है, सीनियर्स के साथ होता है, जूनियर्स के साथ होता है। और जब ऐसा होता है तो ये भी नहीं है कि इसकी रियलाइजेशन हमें नहीं, जब हम अपने इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जाते हैं, तो हम गलत हों या ठीक हों, लेकिन ऐसा व्यवहार जो है हमें पति जरूर करता है कि भाई चलो हम ठीक थे वो गलत थे, तो भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, समर वेकेशन है, बच्चों को समर वेकेशन हो जाती है परिवार में, आप भी बहुत से लोग टीचिंग के साथ जुड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पार्टनर्स भी टीचिंग के साथ जुड़े होंगे, जिनके बच्चों को छुट्टियां होंगी, उनको खुद को छुट्टियां होंगी, या उनके हस्बैंड को छुट्टियां नहीं होंगी, या फिर उनको ही कॉलेज की तरफ से छुट्टियां जो है उस स्लॉट के अंदर नहीं मिलेंगी, तो उनका वो सारा काम जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब उनको छुट्टियां होंगी तो बच्चों को नहीं होंगी, जब बच्चों को होगी तो उनको नहीं होगी, तो ये एक डिसहार्मनी का एस्पेक्ट मेरे को लगता है बनता होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लोगों के ओवर स्मार्ट रिएक्शंस या एक्शंस जिनको हम ये समझ पाते हैं कि भाई ये सब कुछ ट्रेचरस है, सब कुछ धोखा देने वाला है, सब कुछ मतलब एक सेल्फ इंटरेस्ट की बात है इसमें, जैसे लोग यही मान के चलते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट इज द पैरामाउंट इंटरेस्ट, दूसरे लोग तो कुछ है ही नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं करते होंगे, जरूर करते होंगे, लेकिन इसकी जजमेंट दूसरे लोग करते हैं, जिस तरह से मैं दूसरे लोगों के स्मार्ट वेज में उनकी जजमेंट कर पा रहा हूँ अपने प्रोफेशनल डोमेन के अंदर या नॉन प्रोफेशनल डोमेन के अंदर। इसी तरह आई वॉज विद बैंकिंग सर्विसेज, तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करता था, ऑल ऑफ ए सडन बैंक ने अपना लाइसेंस जो है सरेंडर कर दिया था 1999। आपको पता ही है कि पंजाब के अंदर टेररिज्म की हालत बहुत खराब थी, तो बैंक जो है उसको बहुत हैवी लॉसेस हुए, तो पंजाब के अंदर एक ही ब्रांच थी, दैट वाज इन अमृतसर, तो बैंक ने ऑल ऑफ ए सडन एक महीने के अंदर ही बैंक जो है उसको बंद कर दिया और हम लोगों को मद्रास, कानपुर, वास्को डे गामा, बॉम्बे इधर उधर शिफ्ट कर दिया। तो मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरी जो वाइफ थी शी वॉज विद गवर्नमेंट सर्विस, शी वॉज नॉट ट्रांसफरेबल, वो स्टेट सर्विस में थी, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि भाई नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन उसका एक जबरदस्त शॉक मेरी लाइफ में आया, मेरी पर्सनैलिटी जो है उसके ऊपर बहुत स्क्रैचेस आए, क्योंकि एक आदमी ओवरनाइट ही अपना करियर खो दे और उसके बाद आगे जो है पूर्ण अंधकार हो, तो उसको भी झेल पाना मेरे को लगता है इतना आसान नहीं होता, जब आपके बच्चे भी हैं, दो बच्चे भी थे मेरे उस टाइम पे भी, तो मतलब सारी फैमिली जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई एकदम से, मैं बिल्कुल बेकार हो गया, कोई काम नहीं था, मतलब 31 मार्च के बाद जब पहली अप्रैल आई तो मेरे पास कोई काम नहीं था उस टाइम के ऊपर। इसी तरह पहले पिताजी का जाना, फिर माताजी का देहांत, उनकी कमी, उसको लेके, हालांकि हम सब लोग समझते हैं कि लाइफ जो है उसके अंदर डेथ होना तो एक स्वाभाविक बात है, कोई भी बंदा जो है वो परमानेंटली इस दुनिया में नहीं रह सकता, लेकिन ये दुख जो है हमारे को तो प्रभावित करते हैं। इसी तरह जैसे उनकी डेथ हुई थी उसके बाद भाई बहनों ने भी प्रॉपर्टी के लिए अपने इश्यूज खड़े कर दिए, उन चीजों ने भी बहुत परेशान किया कि भाई जबकि अपनी तो ऐसी कोई इच्छा है नहीं कि कोई ऐसा किया जाए किसी के साथ या कोई ऐसा अनफेयर बात की जाए, जो जस्टिस है, जो जस्टिफाइड है वो किया जाए, लेकिन फिर भी उसमें ये चीज देखने में आई कि भी हर एक बंदा चाह रहा था कि सब कुछ मेरे को दे दो, चलो ठीक है जैसा भी है। दूसरी बात यह है कि मैं एक सेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, राधा स्वामी सेक्शन है जो उसके साथ जुड़ा हुआ, तो उसमें मेडिटेशन जो है वो बहुत जरूरी मानी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अपनी दिनचर्या में इतना रुझान है, मेडिटेशन में करता हूँ, डेली करता हूँ, रूटीन में करता हूँ, जितना टाइम हो सके उसको देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट उतना नहीं दे पाता, तो उसकी रिपेंटेंस जो है वो भी मेरे को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर। इसी तरह से बच्चे जो हैं उनके करियर को लेके, उनके आने वाले समय को लेके, उनकी शादियों को लेके, इस तरह की चीजें हैं,
ये मतलब इसकी लिस्ट जो है वो तो अनएंडिंग है, इसके ऊपर बहुत सी चीजें जो है उनके ऊपर चर्चा की जाती है, चर्चा की जा सकती है, इनको फील किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी लोग ऐसी चीजों से प्रभावित होते हैं। तो लाइफ के अंदर सिर्फ एक फियर ही ऐसी चीज नहीं है जो हमें परेशान करती है, बल्कि बहुत से ऐसे अंदरूनी और बाहरी कारण हैं जिनके अंदर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अनप्लेजेंट फीलिंग्स जनरेट होती हैं। और ये जो हम कहते हैं कि कंफर्टेबल विद इन या डिसकंफर्टेबल विद इन वाली सिचुएशन बनती है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके अंदर हम खिन रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। तो ये एक असाइनमेंट था जिसके ऊपर मैंने फोकस करने की कोशिश की, इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे को प्रभावित करती हैं। छोटी सी बात है कि कोई आपका पड़ोसी है, उसके पास मान लो गाड़ी है, वो गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी करने के बजाय रोज रात को आपके गेट के सामने खड़ी कर देता है, या आप उसको एतराज करते हैं तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें समाज के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जो है वो हमारी डिसहार्मनी का कारण है, इसमें परेशानी का कारण है। और ये ठीक है कि हमें ये जो ह्यूमन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम जुड़े हुए हैं, आज मेरे को लगता है 41st डे हो गया, तो उसके अंदर हमें एक स्ट्रेंथ मिली। इसमें कोई आपका जो आपकी जो परिचर्चाएं चलती हैं, जो भाई बहनों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आती हैं, उनसे हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हम नए रास्ते तलाशते हैं, उसके अंदर नए नए एवेन्यूज को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हमारी फीलिंग्स जो है वो डिसकंफर्ट से कंफर्ट की तरफ चली जाए, इंटरनल पीस मिले, हार्मनी मिले। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं सारी चीजें, लेकिन ये मेरी एक शेयरिंग है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई डोंट नो कि ये किस हद तक ठीक है या नहीं है, उसके साथ तो चलो जुड़ाव भी नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है, ये तो एक पर्सनल फीलिंग की शेयर का बात है कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं, किस शिद्दत के साथ कर रहे हैं, किस इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं, वो मेरे को लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो ये मैं बात आपसे करना चाहता था। जी जी सर, अच्छा है, आपने काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं अपने में भी और आसपास की चीज़ों को भी। उसको मैं सिंपलेस्ट ढंग से रख देता हूँ, दो जी एंगल से, तो हम सबको हो सकता है ध्यान जाए चीज़ों पर। देखिए, एक तो ये बात तो तय है कि हम सब निरंतर सुखी रहना चाहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। तो हम सब सुखी भी रहना चाहते हैं और उसकी निरंतरता भी चाहते हैं। अभी उसको ध्यान से देखेंगे तो हम अपने सुख को कहाँ जोड़ रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। उसी को हम लोग ने बात की थी इस सेशन में कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है। जी तो अगर हम अपने सुख को पोस्ट से जोड़ देंगे, पोस्ट के जाने पर इसकी निरंतरता नहीं रहेगी, फिर हम परेशान होंगे। सुख को समाज के किसी बाहर चीजों से जोड़ देंगे तो उसमें तो निरंतरता नहीं दिखेगी, तो फिर हम परेशान होंगे। सुख को हम गाड़ी से जोड़ देंगे तो गाड़ी से मिलने वाले सुख की निरंतरता नहीं है, फिर हम परेशान होंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा सुख को हम कहाँ से जोड़ के देख रहे हैं। अगर हम स्वभाव से जोड़ के नहीं देखते हैं, स्वभाव ही सुख है, स्वभाव में ही सुख है, अगर इस यहाँ से हम नहीं देख पाते हैं तो बहुत सारी जगहों से अपने सुख को जोड़ लेते हैं। और सुख हमें निरंतरता में चाहिए, और जब हम चीज़ों को जोड़ लेते हैं बाहर से तो निरंतरता बाहर हमको भी दिखती नहीं है ना। तो उसी को मैं बोल रहा था कि अगर हमने पोस्ट से जोड़ दिया है तो पोस्ट के जाने पर हम परेशान हो जाएंगे, या पोस्ट चली ना जाए इस वजह से हम परेशान रहेंगे, क्योंकि हम निरंतरता में सुख ढूंढ रहे हैं, उसकी निरंतरता हो नहीं सकती है। इसी तरह सुख को इस बात से जोड़ दिया है कि बाकी लोग सब अच्छा करें, वही करें जो सअस्तित्व पूर्वक है, इस बात से जोड़ दिया है और बाहर लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर से हम परेशान होंगे। तो अपनी परेशानी देखेंगे तो उसका फंडामेंटल कॉज तो मुझे यही दिखाई देता है। तो जो भी आपने सिचुएशन दी है ना, हम सब उससे निकल रहे हैं, निकले हुए हैं, बहुत कॉमन बातें हैं, ये सभी लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो फंडामेंटल बात मुझे दिखती है वो यही है कि हम अपने सुख को कहाँ से जोड़ के देख रहे हैं। तो शरीर से जोड़ सर के ये देख आपने लिया सुख को, तो शरीर जाने का भय भी रहेगा और चला ना जाए इससे परेशानी बनी रहेगी।
जी, सर मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ आपकी बात को, कि इतने दिनों से हम ये चीज जो है उसको उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है, इसी बात को लेके ये चर्चा जो है वो आगे बढ़ती आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है कि सुख स्वभाव है, हम निरंतरता के साथ अपना सुख जो है उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन सर मेरे को ये लगता है कि जब भी मैं इन चीजों के ऊपर फोकस करता हूँ, मैं काफी टाइम डिवोट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये जो प्रभाव है, ये जो आउटर फोर्सेस हैं जिनकी हम आप अभी बात कर रहे हैं, हम अपने आप सुख को उसके साथ जोड़ लेते हैं या उसको जोड़ के बाहरी कारण जो है उनके साथ जोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं, तो सर ये मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या जो प्रभाव हैं जिन जिनके कारण ये सब कुछ होता है हमारे ऊपर, एक्चुअल में क्या है कि उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वो पावरफुल होते हैं, तो क्या उनको किसी तरह से शून्य तक लाया जा सकता है उन? मैं अभी अपनी पहले वाली बात पूरी कर लूँ एक बार, फिर इस प्रश्न पे आता हूँ आपकी, है ना भैया? जी जी, उसको मैं पूरा कर दूँ सेंटेंस को, फिर हाँ मैं जी इस वाले प्रश्न पर आपके आता जी जी हूँ। एक तो ये बात है कि अभी हम सुख को कहीं से भी जोड़ देते हैं, तो जहाँ से भी हम जोड़ेंगे उसके जाने में हमको परेशानी होगी। अगर वो सोर्स निरंतर नहीं है तो हमारा सुख निरंतर नहीं हो पाता है, तो फिर हम बहुत सारी शंकाओं से, भय से, डिलेमा से भरे रहते हैं। दूसरी बात, दूसरी तरीके से देखेंगे तो अभी क्या है कि जो सिस्टम डिजाइन है, उन सिस्टम का डिजाइन देखेंगे, चाहे स्कूल का हो, चाहे प्रोफेशंस का हो, चाहे किसी का भी हो, उन सिस्टम का डिजाइन देखेंगे तो सिस्टम के डिजाइन के सेंटर में संबंध नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सअस्तित्व नहीं है। जी वो सिस्टम जो है ज़्यादातर तो मान्यताओं से डिजाइन है, और मान्यताओं में भी ज़्यादातर देखेंगे तो सुविधा सेंट्रिक सिस्टम डिजाइंड है ना? अभी संबंध, व्यवस्था और सअस्तित्व सेंट्रिक सिस्टम डिजाइन नहीं है। तो मनुष्य को देखेंगे तो मनुष्य के साथ ये हुआ है अभी कि अगर हम व्यवस्था को नहीं समझ पाए हैं, संबंध को नहीं समझ पाए हैं, सअस्तित्व को नहीं समझ पाए हैं, और कुछ डिजाइन करने जाएंगे तो कहाँ से डिजाइन करेंगे? फिर तो उसको सुविधा, संवेदना, है ना, इन्हीं सब चीज़ों से जोड़ने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो वो जो सिस्टम डिजाइन हो गया है, वो इस तरह का डिजाइन हो गया है। अब उस सिस्टम में हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी चाहना तो कुछ और है। इसलिए हमको ऐसा बार बार दिखता है कि सिस्टम का डिजाइन और हमारी चाहना कन्फ्लिक्ट हो रही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। है ना? इसलिए हम उसमें परेशान होते भी हैं। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि सिस्टम का डिजाइन भले ही संबंध, सअस्तित्व, व्यवस्था के अर्थ में नहीं हुआ है, नहीं? किसी और को सेंटर में रख के हो गया, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि अभी भी हमारे में हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे, ये चॉइस हमारे में भी बनी रहती है। तो सिस्टम का डिजाइन ऐसा हो गया है इसलिए हमारा दुखी होना तय है, ये हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो सिस्टम का डिजाइन कैसा भी हो, हमारा सुख हमारे स्वभाव पर है, ये बात अगर क्लियर हो जाए तो अभी हम सिस्टम के डिजाइन से जो विक्टिम बन रहे हैं उसका विक्टिम होना बंद हो सकते हैं, और उसमें क्या भागीदारी हो सकती है मेरी, उस पर हमारा ध्यान जा सकता है। तो अभी जैसे लोगों को हम देखेंगे ना, जैसे बच्चों को, लोगों को देखेंगे तो अभी लोग कितना देख पाते हैं, वो इतना ही देख पाते हैं कि मेरी जॉब बनी रहे, मेरे परिवार के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। इनफैक्ट कई लोगों को मैंने सिस्टम में ऐसे भी देखा है, उनको एक्सप्लाइटेशन फील हो रहा है और उसको वो पैसे से कंपनसेट कर लेना चाहते हैं कि 10,000 रुपये और बढ़ा दो, 1 घंटे और रुक जाएंगे, ठीक है है ना? तो जी अपना जी सुख कहाँ से, ये क्लियर नहीं है, तो सिस्टम का एक्सप्लाइटेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं अगर उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। तो वो जो सिस्टम का डिजाइन है और हमारी जो चाहना है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, मतलब मैचिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो उसको मैं बता रहा था आपको कि ये अच्छी बात है उसमें अभी भी, कि सिस्टम का डिजाइन भले ही संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व पूर्वक ना हो, लेकिन अपने में सुख का सोर्स को देखेंगे तो स्वभाव पर अगर हम जाते हैं तो वहां से सुख की निरंतरता की पूरी संभावना है। तो अगर हम उस बात को समझ लें तो सिस्टम का में ठीक ना हो पाने के कारण जो बार बार हम विक्टिम बनते हैं उससे बच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्वभाव मेरे सुख का रेफरेंस है, हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, नंबर 2। मन, नंबर 3, अब हम सिस्टम के लिए क्या भागीदारी कर सकते हैं,
व्यवस्था से अस्तित्व संबंध के लिए उसको ठीक से समझा जाए और समझ के एक भागीदारी की जाए। उतनी भागीदारी अगर हम करते हैं तो सिस्टम चलाने वाले भी मनुष्य हैं, अगर उनका ध्यान जाएगा तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, उसमें क्या है ना। जी तो अभी जी अगर हम इतनी बातों पर ध्यान नहीं है ना, अगर हमारा व्यवस्था शास्त्रीय संबंध पर ध्यान ठीक से नहीं जा पा रहा है, भागीदारी पर ध्यान ठीक से नहीं जा पा रहा है, अपने स्वभाव पर ध्यान ठीक से नहीं जा पा रहा है, तो फिर हम बाहर छोटी छोटी घटनाओं के विक्टिम होते रहते हैं। जी, तो ये पहले वाले आपकी शेयरिंग पर मैंने रिस्पॉन्स किया है। जी सर जी, एक तो ये बात है। फिर जो दूसरी वाली बात अभी आप कह रहे थे कि बाहर का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जी देखिए बाहर का प्रभाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमको अपने स्वभाव का पता नहीं चल रहा है ना। अगर हमको स्वभाव का पता चल जाए तो बाहर का प्रभाव कम हो सकता है, फिर खत्म भी हो सकता है, बल्कि हम बाहर के लिए वातावरण भी बन सकते हैं, एक स्थिर वातावरण। जी जी तो अगर हम अपने स्वभाव को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे मतलब देखिए उसको मैंने कई बार कहा है कि रैशनली तो हमको लगता है, जब हम पूछते हैं कि क्या सह स्वीकार है तो बहुत सारा तर्क तो हम लगा ही लेते हैं, लेकिन वस्तु के रूप में, वास्तविकता के रूप में अगर हम उस स्वभाव तक नहीं जा पा रहे हैं तो हम रास्ता फिर कुछ और ही बनाते हैं। बातें तो ये कर रहे होते हैं लेकिन हम जोड़ते कहीं और से हैं चीज़ों को। तो ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये अपने स्वभाव तक पहुंचने की एक्सरसाइज की बात चल रही है। अगर हम इसको ठीक से पहुंच पाते हैं तो हम देख पाएंगे कि बाहर का प्रभाव भी मेरे ऊपर आ जाए, इसके लिए हम बाध्य नहीं है, है ना, इसके लिए हम बाउंड नहीं है। अभी हम बाउंड फील करते हैं क्योंकि अभी स्वभाव को देख पाना का अभ्यास अभी हमें नहीं हो पा रहा है, या नहीं हो पाया है, या बहुत कम हो पाया है, इसलिए बाहर की चीजें हमको प्रभावित कर देती हैं। लेकिन अगर आप जैसे देखें, आप जब पहला वर्कशॉप किए होंगे और आज हैं, तो कुछ चीजों का प्रभाव तो आपको दिखा होगा, कम हुआ है, भले पूरा ना दिखा हो, कम होता हुआ तो दिखा ही होगा, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे पता चलता है कि बाहर की चीजें हमको प्रभाव डालेंगी कि नहीं डालेंगी, ये हमारे स्वभाव पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम स्वभाव में हैं तो प्रभाव नहीं डालती हैं, अगर हम नहीं हैं तो प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो हम बाउंड नहीं है प्रभावित होने के लिए, लेकिन अगर हम अपने स्वभाव को नहीं देख पाते हैं फिर हम हेल्पलेस फील करते हैं, फिर ऐसा लगता है बाहर का मेरे ऊपर प्रभावी हो जाता है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं, स्टेप 1 कर रहे हैं, स्टेप 2 कर रहे हैं, है ना, उस पर हमारे स्वभाव पर ध्यान चला जाए, जो देखने की क्षमता है उस पर ध्यान चला जाए। तो जैसे जैसे इस पर ध्यान जाएगा वैसे वैसे बाहर की चीज़ों का प्रभाव कम होता हुआ दिखेगा। तो कम होता हुआ भी अगर दिखेगा तो हमको ये पता चलेगा कि कम हो रहा है, इसका मतलब 0 भी हो सकता है इस समय पर, अगर ठीक से जी हमारे में स्वभाव पर ध्यान चला जाए। जी भैया, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल के साथ आपने सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। बहुत टाइम भी लगाया और मैंने भी आपका बहुत टाइम लिया, उसके लिए तो माजरत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। देखिए टाइम तो लेना बनते ही है, हम सब लोग एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं तो टाइम तो लगाएंगे, है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन शेयरिंग से सबका ध्यान जाता है, सबकी हेल्प होती है, एक अच्छी बात है बिल्कुल हमको सर, भी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर होता है। लोगों की जी शेयरिंग जी आने से, लोगों की ऑब्जर्वेशन आने से, क्वेश्चंस आने से, आपके रिस्पॉन्सेज आने से बहुत सी चीजें जो है उनकी करेक्शन होती है और हम उस करेक्शन को डेली लाइफ में उतारने की कोशिश करते रहते हैं। यथाशक्ति जितना हमसे बन हो सकता है कि काफी ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट जो है आने वाले समय में और भी मिले, सबको ही मिलेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हाँ नमस्ते भैया। जी आज थोड़ा सा ये बात पूछना था सर कि हम लोग जैसे घर पे अपने बात करते हैं, मैं भाई सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो नॉर्मल फोन पे भी जो भी कन्वर्सेशन होता है या घर जाते हैं तो भी एक परिवार सभा के रूप में ही हम लोग कन्वर्सेट करते हैं कि भाई जी क्या घर में क्या समस्या है या हम लोग एक दूसरे के साथ सही से जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं। तो उन्हीं अर्थों कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि भैया का ये कहना है कि ये जो VHV चल रहा है इससे जो भी सही समझ के आधार पर हमें सीखना है तो समाज में जो गड़बड़ियां हैं
उनको ठीक करने के उद्देश्य से एक सिस्टम बनाया जा रहा है जो एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में बाद में काम कर सके। मैंने उनको ये कहा कि भाई ये UHV जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है इसका सभी इकाइयों के रूप में या अस्तित्व के रूप में, उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए और उसके अनुरूप हम सही समझ के आधार पर अपने सही स्वभाव को स्वभाव के अनुरूप मतलब जीना शुरू कर दें और वो हमारी यात्रा शुरू हो जाए। इसका यही पर्पज है, क्योंकि पूरी जो अस्तित्व है उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो बहुत ही नगण्य के मात्र में रहेगा, हमेशा ही रहेगा। तो ये मोर और लेस अपनी यात्रा ज्यादा है बजाय आपके कंट्रीब्यूशन के, चाहे आप जो भी करें। तो उनका हमेशा ये रहता है, मेरा भी रहता है कि भाई मेरे हिसाब से तो ये है, ये इस टाइप से ही बनाया गया सिस्टम और ऐसा ही है। और उनका कहना है कि ये सिस्टम को सही करने के लिए एक सही तरीका है, और भी सही तरीके हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लार्जर ऑर्डर में बात ये है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं उस तरीके से सोच पा रहा हूँ जो इसका पूरा पर्पज है। हेलो भैया, जी मेरी बात पूरी हो गई? जी जी हाँ जी हाँ, आपकी आवाज आ गई है। हम्म, तो देखिए, मैं अपने शब्दों में इस बात को रख देता हूँ, हालांकि आप काफी क्लोज तो बोल ही रहे हैं। देखिए, पूरे अस्तित्व में सअस्तित्व बना हुआ है ना? बिल्कुल सही। और हर एक इकाई को अगर देखेंगे, हर एक इकाई व्यवस्था भी है और व्यवस्था में, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी भी कर रही है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप पेड़ को देखेंगे, पेड़ में बहुत सारी पत्तियां हैं, पत्तियों को देखेंगे तो सेल से बनी हुई हैं। एक एक सेल को अगर देखेंगे तो व्यवस्था है और पूरे पत्ती की व्यवस्था में भागीदारी भी कर रहा है। आप एक पत्ती को देखेंगे, लीफ को देखेंगे, व्यवस्था है, पेड़ की व्यवस्था में भागीदारी भी हो रही है। पेड़ को देखेंगे, अपने आप में एक व्यवस्था है और पूरे एक इकोसिस्टम की व्यवस्था में भागीदारी भी कर रहा है। पूरे अर्थ को देखेंगे, एक व्यवस्था है और अपने सोलर सिस्टम में भागीदारी के साथ है। सोलर सिस्टम को देखेंगे, एक व्यवस्था है गैलेक्सी में भागीदारी के साथ में। तो आप छोटी से शुरू करके और बड़ी इकाई तक जाएंगे तो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी, इसके तहत पूरे अस्तित्व में सअस्तित्व बना हुआ है ना, शून्य के संपर्कता में रहते हुए। अब मनुष्य को अगर देखेंगे तो मनुष्य में भी एक व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन अपने संस्कारों के प्रभाव के कारण है ना, अनअवेयरनेस के कारण हम उस व्यवस्था को देख नहीं पा रहे हैं। तो देख नहीं पा रहे हैं तो कुछ भी अन्यथा करते रहते हैं, है ना? और मनुष्य कुछ ना कुछ तो करेगा ही, क्योंकि क्रियाशील है, कल्पनाशीलता में क्रियाशीलता है, क्रियाएं चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर देखेंगे, इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे, तो हमारा में जो व्यवस्था इनेट है, जैसे हर इकाई में व्यवस्था इनेट है, हमारा अपने में जो इन्नेट है व्यवस्था, उस पर ध्यान चला जाए। तो उसी को पहले हम सहसुकृति के नाम से इंडिकेट कर रहे थे, और अगर आपने वर्कशॉप किया होगा तो B1 ब्लॉक बोलने लगे होंगे, और गहराई से जाएंगे तो फिर दृष्टा भाव पर बात करने लगेंगे। कुल मिलाकर इतनी बात हो रही है कि हमारे में कुछ इन्नेट है व्यवस्था, उस व्यवस्था पर ध्यान चला जाए। एक बार उस व्यवस्था पर ध्यान चला जाए, फिर हमारा जो इच्छा विचार आशा है उस व्यवस्था के अर्थ में फैलेगा। फिर उस व्यवस्था के अर्थ में जो फैलेगा, उससे जो व्यवहार कार और बड़ी व्यवस्था में जो इंटरेक्शन करेंगे, तो उससे भागीदारी होना एक नेचुरल आउटकम है। तो भागीदारी होना, व्यवस्था के तहत कुछ करना है, ये नेचुरल आउटकम है। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में देखेंगे तो हम में कुछ व्यवस्था है, हम उस पर ध्यान दिलाने की बात कर रहे हैं। एक बार उस पर ध्यान चला जाए इन एक्सरसाइजेस के थ्रू, फिर बाहर तो हम व्यवस्था के अर्थ में करेंगे, अन्यथा चॉइस भी क्या बचेगी? जब व्यवस्था को हमने देख लिया है ना, संबंध को देख लिया, सास्तित्व को देख लिया, अब हम कल्पनाशीलता में चलाएंगे भी क्या? तो हमारी इच्छा भी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में होगी, विचार भी यही चलेगा कि व्यवस्था में भागीदारी कैसे इंश्योर हो, और हम सिलेक्शन भी ऐसे ही करेंगे जिससे व्यवस्था में भागीदारी हो। तो अब व्यवस्था का बनना और मेरा बड़ी व्यवस्था में भागीदारी होना, ये एक नेचुरल आउटकम हो गया, एफर्टलेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहला वाला काम नहीं हुआ है तो बहुत सारा हम एफर्ट के साथ करते भी हैं और बाहर व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो उसका क्षोभ भी होता है हमको, है ना?
पूरी बात को अगर मैं समअप करूं तो इतनी बात मैं कहना चाह रहा था कि हम में कुछ व्यवस्था इननेट है, हमारा उस पर ध्यान चला जाए, फिर उसके अर्थ में कल्पनाशीलता का होना, इच्छा विचार आशा का होना एक सहज बात है, फिर उसके अर्थ में व्यवहारकार होना ये एक भी सहज बात है, फिर उसके अर्थ में व्यवस्था में भागीदारी होना ये भी एक आराम नेचुरल बात है, और फिर मनुष्य भागीदारी के साथ हो जाएगा, फिर तो जो भी कार्य करेगा वो व्यवस्था के अर्थ में ही होगा। तो इस तरह से मनुष्य सहज रूप से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी होने लगेगी, ये होने लगेगी, और बाकी का ये व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहे हैं, तो पूरे अस्तित्व में आपको एक यूनिवर्सल ऑर्डर दिखाई देगा जिसमें हर इकाई व्यवस्था में है, व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। क्योंकि मनुष्य ज्ञान अवस्था में है इसलिए इतना सारा अभ्यास कार्यक्रम और ये सब करना पड़ रहा है हमको। जी भैया, हाँ भैया, ये जो आपने पूरी बात अच्छे से समाप्त करी, मैं उसको बेहतर तरीके से नहीं कह पाया, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो कही वही बात मैं समझ पाया हूँ कुछ हद तक। जी बट जैसे मेरे भाई के साथ ये बात होती, उनका कहना ये कि ये जो हमारा ये सब करने के बाद जो मतलब समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, तो इस वजह से इसको सही करना है। मैंने उनसे यही कहा कि समाज में तो अव्यवस्था फैली हुई है, और ये अव्यवस्था हम टोटल हमें कंट्रीब्यूट भी करना है। जैसे भागीदारी हम समझ जाएंगे तो हम करने ही लगेंगे सही के अर्थ में, लेकिन जो अंदर आपके अंदर जो एक वो आ जाता है ना कि यार ये होना चाहिए, जैसे लोग सही समझ के आधार पे बिहेव नहीं कर पाएंगे या नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये अंदर एक जो क्षोभ आता है वो क्षोभ आना खत्म हो जाएगा, और वो नहीं भी सही कर बात, पा रहे तो भी इस व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां ऑलरेडी बहुत ब्रह्मांड में पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी सही व्यवस्था में चल रही हैं, तो ये जो नहीं चल पा रही, तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्षोभ होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी यात्रा पूरी कर लें वो ज्यादा महत्वपूर्ण, और अगर कर लेंगे, अगर ये बात समझ जाएंगे, तो आगे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मेरा तो इंश्योर हो जाएगा, अगले का इंश्योर वही कर पाएगा, मैं नहीं कर सकता उसे। सही बात है। देखिए, आप व्यवस्था को अगर समझेंगे, संबंध को समझेंगे, सांस्कृतिक को समझेंगे, आपका सुखी होना हो जाएगा तय। उस सुखी होने के साथ आपकी कल्पनाशीलता में व्यवस्था के अर्थ में चलना ये तय हो जाएगा, भागीदारी होना ये तय हो जाएगा, आपकी तरफ से आप निश्चिंत हो गए। दूसरा अगर उतना नहीं देख पा रहा है, उस अव्यवस्था की पीड़ा से परेशान होता रहेगा और व्यवस्था पे ध्यान नहीं जाएगा, तो अपना भी सुख इंश्योर नहीं होता है और व्यवस्था में हम कुछ कर पाएंगे उसका भी सही रास्ता नहीं दिखता है। तो अगर हम समझते हैं तो हमारा जी जी ये जी प्रश्न भैया, मैंने इसलिए उठाया कि वो भी इसमें जुड़े होंगे, शायद सुन रहे होंगे, तो क्योंकि हम लोग तो आपस में अच्छा बहुत बार कर चुके हैं इस बात पे बात, तो हो सकता है मेरा प्रश्न वही वहां तक पहुंच गया हो, और जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी शायद उन तक पहुंच गया हो, तो शायद कुछ और कंक्लूड हम बाद में भी कभी इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे, फोन पे करेंगे तो, है जी ना। जी तो इस वजह से मैंने बिल्कुल इस प्रश्न को इस पूरे कॉमन फोरम में उठाया, मेरे तीनों भाई हम लोग तीनों सुबह जुड़े ही रहते हैं, उसके बहुत ही अकॉर्डिंगली बढ़िया तीनों ने सुन लिया होगा, है ना। जी एक बात जी और थी भैया, इस बार हम लोग घर जब मैं गया तो हम लोगों ने एक परिवार सभा जो हर बार करते ही, इस बार ये विचार किया कि सभी लोग घर में साथ कैसे रह सकते हैं, मतलब एक जी ही घर में जिस जो पापा जी ने बनवाया है हमारे, तो ये बात है कि सब लोग मतलब इधर उधर मकान लेने की बजाय वही कैसे रह सकते, तो इस पर भी हम लोगों ने विचार किया और उन मुद्दों पे सोचा कि क्या क्या समस्याएं आ सकती, छोटी छोटी समस्याएं, तो ये शेयर करना था कि इस पर काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कई छोटी छोटी चीजों को लिखा कि क्या हो सकता है, क्या क्या समस्याएं घर में साथ रहने से हो सकती हैं, तो इस तरीके से काम हम लोग मिलके कर रहे हैं, प्रयास जारी है बढ़िया है व्यवस्था में सही से सही। जी, ठीक शुभकामनाएं हैं आपको। है, और समस्याएं क्या हो सकती हैं उसके विश्लेषण के साथ हम संबंध में अनकंडीशनली कैसे रह सकते हैं उस पर भी हमारा ध्यान जाए, हम एक हाँ ये दूसरे की बात, इंटेंशन को कैसे देख पाएंगे निरंतरता में, उस पर हमारा ध्यान जाए, तो फिर समस्याएं समस्याएं नहीं रहेंगी, वो तो रिजॉल्व हो जाएगी। हाँ सही बात है, बट ये बात आपकी सही है, ज्यादा बेहतर तरीका है सोचने का, लेकिन पहले ये जी हुआ जी कि पहले लोग रेडी नहीं है, तो रेडी नहीं है तो पहले उनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई रेडी क्यों नहीं है, रेडी क्यों सही नहीं है वो पता चल जाएगा, तो फिर उसमें ये भी जो आपने बोला कि हाँ ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज, मतलब जो अनकंडीशनल आप इंटेंशन एक दूसरे का समझ पाएंगे तो जी, सही रहेगा, सही बात। सही बात जी, ठीक है भाई। ठीक है, बस इतना ही कहना था सर।
जी ठीक है भैया, नमस्ते। है जी, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी नमस्ते। को। भैया कल पूरे दिन में मैं ऑब्जर्व ऐसा कर रही थी कि जी मुझे अपनी डॉटर के लिए काफी सारा पोजीशन दिखा, और जैसे आपने काफी बार ध्यान दिलाया है तो वो अपोजिशन मुझ में है। इस बात की वजह से मेरे अपने लिए अपोजिशन काफी कम होता हुआ दिखाई दिया, और फिर मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना है। और पहले थोड़ा थोड़ा ध्यान जाता था, पर अभी ऐसा लगता है कि और ठीक से ये प्रोग्राम बने मेरी लाइफ में, उसको प्रायोरिटी रखते हुए। तो एक मुझे ऐसा लगा था कि मैं उससे बात करना शुरू करूं उसके वर्ड्स में। तो जब भी कभी वर्कशॉप होती है ऑनलाइन तो वो सुनती है, और जो भी नेचुरल एक्सेप्टेंस के क्वेश्चंस पूछूं अगर मैं, तो वो भी उसका आंसर वैसे ही देती है। लेकिन जब एक्चुअल में वो कंडक्ट आता है तो मुझे लगता है कि जितना मेरा ध्यान चला गया है नर्चर के पार्ट पर, उसका इतना नहीं गया है। तो मैं उसको इलेबोरेट कर देती हूँ कि मैं इसलिए आपको कह रही थी कि ये चीज़ है ना, वो ऐसे तकलीफ देती है, वो ऐसे गड़बड़ होती है। ऐसे मैंने अपनी तरफ से बात करना उससे शुरू किया है, लेकिन फिर भी वो इस एज में, वो मेरे अंदर भी उसका एज अटका हुआ है, लेकिन वो 8 साल की एज में मुझे ये बात बहुत बार ऐसे बोलती है कि मतलब मुझ पर किसी का हक नहीं है, मुझ पर सिर्फ मेरा अपना हक है। तो ज्यादा कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता है। तो मैं इस बात से भी काफी सारा हर्ट हुई है, मुझे कल ऐसे ध्यान में आया। और मेरा जो कॉन्ट्रडिक्शन का रीजन है ना, वो मुझे ऐसा लगा कि मल्टीपल रीजंस की वजह से उसके लिए मुझ में कॉन्ट्रडिक्शन होता है। मतलब मैं ये सोचने लगती हूँ कि अभी अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो मम्मी जी हैं वो क्या कहेंगी, उन्होंने मुझे कहकर रखा है कि इसको मारना मत, तुम्हें मेरी कसम है, तो तुम इसको थोड़ा है ना अच्छे से हैंडल करो। तो अगर उनको पता चल गया कि मैं इसको डांट रही हूँ तो वो क्या कहेंगी। फिर ऐसे मल्टीपल सोर्सेस मुझे दिखाई दे रहे थे जिस बात की वजह से मैं परेशान थी, और उस पर फिर वो गुस्से के रूप में निकलता है। तो ये मेरा कंसर्न बना हुआ है भैया अभी सबसे ज्यादा। तो मैं इसको एग्जैक्टली हाउ टू वाले पार्ट में नहीं प्लेस कर पा रही हूँ शायद, और व्हाट वाले में तो है गड़बड़। जी भैया, जी, देखिए दीदी, जो आप पहली बात बोल रही है ना, तो वो बच्ची के साथ ही नहीं, वो तो अभी बहुत कॉमन इश्यूज है, बहुत लोगों के साथ होता है कि हम अच्छी बात बताते हैं, है ना, सही बात बताते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का उस पर ध्यान ही चला जाए, ऐसा हो पा रहा है, हो पाएगा ऐसा 100% कि हम बोलेंगे सही बात पे ध्यान दिलाएंगे, उसका ध्यान चला जाएगा? ये प्रोसेस को क्लियरिटी होना जरूरी है ना? हम्म, जैसे अभी भी हम लोग देखें, हम लोग इतने वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं, है ना, इतनी बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतने बैचेस से हम लोग मॉर्निंग सेशन में रहते हैं, लेकिन फिर भी वस्तु के रूप में सहज स्वीकृति पर ध्यान चला गया है, स्वभाव पर ध्यान चला गया है, तो हम सब लोग उसमें अपने को स्लिप पाते हैं, है ना, इतना हम लोग जुड़े रहने के बाद भी। लेकिन जब हम दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमको ये आशा के रूप में बना रहता है कि हम इसको ध्यान दिलाएंगे और इसका ध्यान चला जाएगा। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरे का ध्यान कब जाएगा, ये उसके अपने संस्कार से तय होगा, उसके अंदर क्या चल रहा है इससे तय होगा कि उसका ध्यान कब जाएगा। हम ध्यान दिलाने का कार्यक्रम कर सकते हैं, तो जैसे इस पूरे मॉर्निंग सेशन में भी देखेंगे, हम सब एक दूसरे का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान कब जाएगा, ये हमारे संस्कार में क्या हमने बना रखा है, इसके योगफल में तय होगा। तो ये बात हमको क्लियर होना चाहिए।
कि अगर हमको अपना स्वभाव क्लियर हो रहा है तो हम सुखी होते हैं, ये तय है। उससे मैं कल्पनाशीलता में इच्छा विचार फैलाता हूँ, इच्छा विचार आशा फैलाता हूँ, उससे भी हम कंफर्टेबल होते हैं, ये तय है। इसके साथ मैं स्नेह के भाव के साथ, विश्वास के भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ, दूसरे के समझने में सहयोग करने के लिए उसका वस्तु पर ध्यान दिलाऊंगा। ध्यान दिलाने के लिए मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, है ना, इसमें भी मैं कंफर्टेबल लूंगा। उस व्यक्ति का उस वस्तु पे ध्यान चला जाएगा, ये जो हम टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं ना, ये इशू है। तो बेसिकली इशू इस बात का हो जाता है कि हम ध्यान दिला रहे हैं, कितना समय ध्यान दिला रहे हैं, इतने समय में ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। तो दूसरे व्यक्ति का ध्यान हमारे बनाई गई टाइम लिमिट से नहीं जाएगा, उसके संस्कारों से तय होगा। लेकिन हम वो टाइम फ्रेम में देखते हैं, है ना, उस टाइम फ्रेम में हम चीजों को चाहते हैं कि लोग समझ जाए। तो बेसिकली हम अपने को शरीर माने रहते हैं, है ना, और उस शरीर के टाइम के रेफरेंस में हमको लगता है इतने साल तो हो गए हैं, तो इतने साल में तो उस व्यक्ति का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन ध्यान जाना देखेंगे तो वो टाइम फ्रेम से तय नहीं हो रहा है, वो तो हम व्यक्ति को जब बता रहे हैं उसके संस्कारों में क्या चल रहा है, वो किसको महत्वपूर्ण माने हुए हैं, है ना, फिर हम बता रहे हैं उसको, वो अपनी लाइफ से लिंक करके देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, अपने सुख से देख करके लिंक करके देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, इन सबके योगफल में तय होगा कि उसका ध्यान कब जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं जा रहा है ऐसा भी नहीं है, हम जो बात उसको बता रहे हैं बीज रूप में उसमें जा रहा होगा, है ना, और जब उसके साथ कुछ घटनाएं होंगी तो हमारे दिए गए संस्कार भी उसमें फलित होंगे। ज्यादा वर्स्ट कंडीशन तब है जब हम बीज रूप में कुछ डाल भी नहीं पा रहे हैं, तो कुछ घटनाएं हो रही हैं, अब उसके अंदर वो बीज ही नहीं है कि वो फ्लरिश हो जाए। तो हम बीज डालने का काम कर सकते हैं और बीज डाल के उसको छोड़ते रहिए, जब पानी बरसेगा तो फ्लरिश हो जाएगा पौधा। लेकिन हम कहाँ पहुंच जाते हैं कि हमने बीज भी डाला है, अब ये पौधा बाहर भी आ जाए, फूल भी दे दे, फल भी दे दे, ये सब जो हम जोड़ लेते हैं ना, तो ये एक समस्या हो जाती है। आप बीज डालने तक आपके हाथ में चीजें हैं, उतने में आप करिए अपना। जैसे हम लोग भी यहाँ क्या कर रहे हैं मॉर्निंग सेशन में, एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग सुन रहे हैं, कुछ इंसाइट मिलती है, अंदर चला जाता है। लेकिन उसी समय ध्यान चला गया ऐसा नहीं है, कभी कोई घटना होती है फिर ध्यान आता है, अच्छा उस कंडीशन में तो ऐसा हुआ था, इसका मतलब मेरे में भी कुछ स्वभाव है। यही प्रोसेस है चीजों को समझने और समझाने का, ये हमको अपने में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, है ना। और ये टाइम बाउंड नहीं है कि किसी बड़े को इतने समय में समझ में आ जाएगा, छोटे को इतने समय में आ जाएगा, ये संस्कार बाउंड है। तो जैसा हमारा संस्कार की स्थिति है उस स्थिति से तय होगा कि हमारा वस्तु पर ध्यान कब जाएगा। अगर संस्कार अन्यथा बहुत भर गए, वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा आ गया है, तो समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो दिया है उसको बताया है वो वेस्ट जा रहा है, वो अंदर है, अब कब फ्लरिश होगा उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। हो सकता है अगली शरीर यात्रा लग जाए, लेकिन फ्लरिश तो हो गई, क्योंकि हम जो डाल रहे हैं वो कभी तो फ्लरिश हो गई। लेकिन हम अभी फ्लरिश हो जाए, ये जो हम टाइम बना लेते हैं ना, ये हमारे लिए दुखकारी बन जाता है। जी दीदी, पहली वाली बात पे मैंने इतना कहा है, बताइए इसमें अगर आपको कुछ कम पड़ रहा है तो मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ। नहीं भैया, मुझे ध्यान आया कि मैं बहुत टाइम पर ही फोकस करती हूँ, और वो फियर मुझ में बना हुआ है शरीर वाला कि मैं हूँ सामने तब तक हो जाए, फिर उसके जीने में तकलीफ ना हो मेरे जाने के बाद। ये मुझे अभी ऐसे ध्यान आया, वो जैसे मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, वैसे उसका भी प्रॉब्लम ना हो, ये ऐसा कनेक्ट होकर वो बाहर निकल रहा है। जी जी दीदी, तो वही बात है, हम लोग टाइम बाउंड करके जो चीज़ों को समझना भी हम टाइम बाउंड करना चाहते हैं, ध्यान देना भी हम टाइम बाउंड करना चाहते हैं दूसरों के लिए। तो ये तो एक इशू है ही, जबकि अगर हम लोग को भी देखेंगे, हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, है ना, सेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरा ध्यान चला गया ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक एक करके बार बार संस्कार उठते हैं, फिर हम उसको एक्सरसाइज वन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर उसकी इंटेंसिटी कम होती है, हमको लगता है हो गया है, लेकिन फिर वातावरण जैसे परिस्थितियाँ आती हैं फिर से एक्टिव हो जाता है, फिर हमको लगता है अभी तो हुआ ही नहीं था, फिर से हम एक्सरसाइज वन टू
स्टेप 1 2 3 करते हैं। तो एक अगर हम अपने लिए देखेंगे ना कि एक बहुत रिग्रेस प्रोसेस है ये, तभी हम दूसरे को इतना स्कोप दे पाएंगे। तो जैसे हमको दिखेगा कि इस प्रोसेस में बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना, और समय कितना लगेगा ये तो अभी कह ही नहीं सकते, हम अपने लिए भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तो दिखता ही है कि जितना हम काम करते हैं उतना गहराई से संस्कार और दिखने लगते हैं। फिर ऐसा लगता है अभी और सही करना है। जैसे घर में पोछा लगाते हैं ना, आप घर में पोछा लगाते हैं, आपको लगता है कमरा साफ हो गया है, लेकिन जब फैन चलाते हैं और कमरा सूखता है, फिर से दाग दिखने लगते हैं कई जगह। फिर आप पोछा लगाते हैं, फिर सूखता है, फिर लगता है कि नहीं देखो वहां भी रह गया है। ऐसे हमको ये काम करना पड़ रहा है अपने में। तो जब ये दिखेगा अपने में काम करते हुए इतना है ना, जबकि हम लोग लगे हुए हैं सुबह शाम, तब इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लग रहा है, और वो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि संस्कार की गहराई ज्यादा है। ऐसे ही दूसरे में भी है। तो इतना अगर हम अपने में ठीक से देख पाएंगे तो दूसरे को भी हम उतना स्कोप देंगे, नहीं तो दूसरे के लिए बहुत हड़बड़ी हम लोग करने लगते हैं, फिर अपने अभी समस्याग्रस्त होते हैं और दूसरे भी हमारे ऊपर दबाव फील करता है ठीक होने का। तो ये दो चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए भी इनफ स्कोप बना पाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद भैया। जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते नमस्ते। भैया। हाँ जी भैया, इसी पे थोड़ा सा कार्य हमने किया है पिछले 6 महीने। अच्छा तो ये तो फील होता है कि वास्तव में हम जो आप कह रहे हैं वो हमने अपने में रियलाइज किया कि हम टाइम बाउंड्री रख करके वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि ये समय इतने समय में क्यों नहीं हो रहा। ये हम खुद के साथ पिछले 6 महीने से यात्रा कर रहे थे कि हम अपने संस्कारों को जब चेक करने जाते हैं तो ये देख पाते हैं कि जो संवेदना के साथ संबंध से सुख की एक भाव बना रखा है, तो हम अपने को देख पाते हैं, जब दूसरे को देख पाते हैं कि जो संबंध है उस संबंध में हमने जो भाव बना करके रखा है कि नहीं, इस संबंध में इस भाव की पूर्ति होना चाहिए, और एक दूसरा देखते हैं कि संबंध में दूसरे भाव जो आ रहा है, जो उस भाव वो भाव जिस संबंध में नहीं होना चाहिए वो भाव कहीं से आता है। तो ये जो एक दूसरे के संबंधों में भाव है और भाव के आधार पे हमें जो सुख लेने की प्रवृत्ति यानी जो संस्कार बैठा हुआ है, तो संबंध तो हम ढेर सारे सुबह से शाम तक यही हम अभी कार्य कर रहे हैं कि संबंधों में जो क्रमबद्धता, जो नियम अनुसार जो एक भाव होना चाहिए वो भाव ना हो करके जब अभाव या उस संबंध का अभाव दिखने लगता है, तो परिवार में हम देखते हैं कि एक 10-15 जनों की फैमिली है हमारी। तो कल एक छोटी सी घटना हो गई थी घर में, उसको मैं देख रहा था, मैंने कल फील किया अभी। तो हमारी युगल हैं, उनसे मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि आप इसको रेगुलर कोर्स में लाइए लाइए। कल एक छोटी सी घटना हो गई कि एक छोटे भाई की बिटिया और वो दोनों आपस में साइकिल को लेकर के थोड़ा सा झगड़ा हुआ। तो माँ ने कहा कि तुमसे मना करा था साइकिल लेके मत आओ। मैं उसको एक अलग ही तरीके में ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ होता है कि माता जी बोलती हैं कि तुमसे मना किया था साइकिल लेके मत आओ। तो हम तो उस चीज को समझ रहे थे कि बच्चे हैं होना ही है, लेकिन हमारी युगल जो थी उनको रिएक्शन हुआ तो उनको लगा कि हम दोषी हैं साइकिल लेकर आने में, मतलब सोचने में। फिर उनको गुस्सा आया तो उन्होंने मोबाइल फेंका, और फिर उनका रिएक्शन ये हुआ कि वो दिन भर एक वाइब्रेशन ऐसा वातावरण बना रहा कि उनका मन चैन में नहीं रहा। लेकिन हम अपनी स्थिति में सेट रहे क्योंकि हमें पता है कि ये एक घटना का शिकार हो गई और वो घटना का प्रभाव जब तक इन पे है तब तक। लेकिन 5 मिनट उनसे बैठ के जब कि आपने अपनी ही क्षति करी, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो कुल मिला के मैं बार बार संबंधों में कर रहा हूं कि कोई घटनाएं जो घट जाती हैं वो जैसा भाव संबंध में होना चाहिए वो भाव की पूर्ति न होने के कारण फिर संबंधों में वो टकराहट आ रही है। वही संवेदना से सुख, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी युगल हमको इस संवेदना से सुख की प्राप्ति करें या उस भाव की पूर्ति हो, लेकिन वो मान लो उस भाव की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि इनमें संस्कारों में वो परिमार्जन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन फिर अभी मैं ये देख पाता हूँ कि वो उनके लिए मैं जो समय बाउंड्री लेके बैठा हूँ, तो वो मेरे अपने अंदर भी मैंने फिर फील करा कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनके वजह से मैं दुखी हो रहा हूं।
चेंज तो मैं अपने अंदर उनको करने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये कल चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन वो संस्कार नहीं बदल रहा है। उस संस्कार को बदलने पे ही हम लास्ट स्टेज पे कार्य यही कर, और वो देखा है जिस दिन उस संस्कार को हम पकड़ लेते हैं कि नहीं ये मेरी आदत की वजह से मैं परेशान हूँ, आज इसको साइड में रख करके काम करूंगा, तो उस दिन उतने समय तो मैं अपने आप को बिल्कुल एकदम कंफर्ट फील करता हूँ, आनंदमय स्थिति में, मतलब जो कहना चाहिए संगीतमय व्यवस्था में उतने समय तो रह पाता हूँ। लेकिन फिर कहीं वही संस्कार आके मतलब थोड़ा सा ही मतलब सावधानी हट जाती है तो फिर वही संस्कार आड़े आ जाता है। तो अभी ये रोज की स्थिति में मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा संस्कार ही है जिसको मैं मतलब परमानेंटली शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, वो शिफ्टिंग नहीं हो रही है। उस प्रोसेस पे आप थोड़ा सा बताएं कि जो संस्कारों में जो परिमार्जन होना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं रेगुलर में। तो देखिए, एक तो परिमार्जन के लिए है ना, हमको एक जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि हमको रिएक्शन नहीं देना है ना। तो जैसा भी मैंने निधि दीदी के बीच में कह रहा था कि अभी हम में परिमार्जन हो जाए, हम स्वभाव तक हो जाए, इसको भी कहीं ना कहीं हम इस टाइम में बांध लेते हैं। हमको लगता है यही शरीर है, इस शरीर यात्रा में जितना हो जाएगा उतनी शरीर यात्रा में ही सब कुछ कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत हड़बड़ी हो जाती है कि ये हो ही जाना चाहिए, ध्यान चला ही जाना चाहिए, है ना। चिंतन पे ध्यान चला जाए, बोध पे ध्यान चला जाए, अनुभव पे ध्यान चला जाए। तो देखिए, वहां तक जाना, तो ये जो टाइम बाउंडिंग वाला फैक्टर है ना, ये हम सबको थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए कि ये टाइम बाउंड करने से क्या होता है। वो बेसिकली हो इसीलिए रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अब शरीर के रेफरेंस में चीज़ों को देखते हैं, और शरीर के रेफरेंस में देखते हैं तो हमको लगता है इतने साल और बचे हुए हैं, और बिल्कुल इतने साल बचे हुए हैं तो इसमें इतना तो हो ही जाना चाहिए। जबकि होने वाली जो घटना होनी है वो तो चैतन्य इकाई में होनी है, कॉन्शियसनेस में होनी है, और कॉन्शियसनेस के लिए क्या समय है? तो निरंतर है, निरंतर उसमें चल रहा है। आप ध्यान बनाए रख सकते हैं, अपने परिमार्जन के लिए काम कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाएंगे तो कोई टाइम का अभाव नहीं है, वो तो निरंतरता में चल ही रहा है। तो आपकी कल्पनाशीलता देखेंगे तो आप में निरंतर चलती ही रहेगी। अपने ऊपर ध्यान देना है, वो ध्यान देने का पोटेंशियल भी आप में निरंतर बना ही रहेगा, अभी भी है, बना भी रहेगा। नित्य पर ध्यान देना है, नित्य हमेशा ही बना रहेगा। अभी कॉन्शियसनेस के रेफरेंस में जब हम देखेंगे ना, तो हम इस ये जो टाइम लगाते हैं अपने साथ इससे मुक्त हो पाएंगे। लेकिन अगर शरीर के रेफरेंस में देखेंगे है ना, तो हमको लगेगा सब लोग अगले 10-15 साल में ठीक ही हो जाए, और उस हलबड़ी में हम बहुत सारा अपने में भी रिएक्शन करते रहते हैं और दूसरे के तो रिएक्शन होता ही रहता है, क्योंकि वो हमारी इस आशा को पूरा नहीं कर पाता है कि इतने साल में वो उसका ध्यान चला जाए। तो ये एक मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए कि हम पहले इस बात को देख लें कि शरीर के रेफरेंस में हम चीज़ों को देख रहे हैं या कॉन्शियसनेस के रेफरेंस में देख रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो होना है वो कॉन्शियसनेस में होना है। कॉन्शियसनेस में होने के प्रोसेस के रूप में हम लोग स्टेप 1 2 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार अगर हम शरीर के रेफरेंस में देखते हैं तो अपने में हो रहे संस्कारों को फिर हम रिएक्ट करने लगते हैं। ये जो रिएक्शन देने लगते हैं, ये ऐसा हो जाता है कि जड़ों को फिर से पानी दे दिया। तो आप में कोई संस्कार आ रहा है ना, और टाइम की हड़बड़ी की वजह से आपने रिएक्शन दे दिया, हो क्यों नहीं रहा है। अब ये जो रिएक्शन दे दिया ना, वो उसकी जड़ों को और मजबूत कर देता है, उसकी जड़ें मजबूत हो गई है, अब आप फिर ध्यान देंगे फिर वो आएगा, अगर फिर रिएक्शन दे दिया तो और जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो ये जो रिएक्शन वाली हड़बड़ी है ना, टाइम बाउंड होकर जो हम देखते हैं, ये जो रिएक्शन देते हैं, ये हमारे परिमार्जन में एक बाधा बनता है। तो मुझे लगता है कि आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि कैसे परिमार्जन ज्यादा से ज्यादा हो, जल्दी हो, तो मुझे लगता है जल्दी और स्लो का इशू नहीं है, हम कितना गहराई से उसको ध्यान दे रहे हैं और उसको होने दे रहे हैं, और ये स्टेप उससे पूछ रहे हैं कि मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, निरंतरता चाहते हैं कि नहीं। इतना अगर हम बिना रिएक्शन दिए करते रहेंगे तो बार बार वो आएगा,
फिर हम उसमें यही बात करेंगे, फिर आएगा, फिर यही बात करेंगे, धीरे धीरे वो विदा हो जाएगा। विदा कितने समय में होगा वो इस पे तय होगा कि उसकी गहराई कितनी है, कितनी गहराई से हमने अपने में उसको एक्युमुलेट कर रखा है। तो समय गड़बड़ी करने की मुझे लगता है अपने लिए भी आवश्यकता नहीं है, दूसरों के लिए भी आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है कि हमारा ध्यान और गहरा होता जाए। तो जैसे जैसे हमारा ध्यान जाएगा और हम बिना रिएक्शन किए उसको इवेल्युएशन करेंगे तो विदा होने लगेगा। जी भैया बताइए, इतनी बात ठीक है या आपको लगता है और कुछ मुझे बोलना नहीं चाहिए? भाई जी, बिल्कुल हम इस चीज को अपने में मतलब झांक के देख भी पाए, ये एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि ये टाइम बाउंड्री का है ना, हम बहुत दिन से इसी पे मतलब इतना क्लियरिटी अभी आज की मतलब ये चर्चा से हमको ये क्लियरिटी एकदम बनी है, क्योंकि ये हमने अपने में भी महसूस किया कि जब हम कल्पनाशीलता में बैठते हैं तो ऐसा लगता है टाइम बाउंड्री से फ्री हैं बिल्कुल, मतलब हम हमको समय पता ही नहीं लगता है, हम टाइम गणना में रहते ही नहीं, जैसे ही बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तब हड़बड़ाहट ये आती है कि अरे इतना टाइम बर्बाद हो गया, जब सेल्फ कॉन्शियस में रहते हैं तो मतलब समझ में ही नहीं आता कि समय जा रहा है आ रहा है मिट रहा है क्या मतलब, और अभी जब हम जैसे ही बॉडी कॉन्शियस में आते हैं अरे घड़ी की तरफ देखते हैं तो और ट्रिगर होते हैं, मतलब ये मैं फील करता हूँ कि जो आनंद में जो व्यवस्था, संगीत में जो व्यवस्था, उसमें टाइम बाउंड्री नहीं समझ में आता कि टाइम क्या जा रहा है, लेकिन जैसे ही सेल्फ कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस की ओर हम मतलब हल्का भी आते हैं तो वहीं से घड़ी को देखते ही ट्रिगर महसूस होने लगता है, तो एक तो मेरे को बार बार यही चीज भी परेशान कर रही थी कि हम एक लक्ष्य एक समय के साथ लेके बैठे हैं कि नहीं मेरे में ये परिमार्जन इतने समय में बिल्कुल होना ही चाहिए, एक लक्ष्य बंधित कार्य कर रहे हैं हम, तो इसीलिए उस पर थोड़ा सा स्पीडली वर्क कर रहे हैं कि ये बिल्कुल कल हो जाना चाहिए परसों हो जाना चाहिए, लेकिन फिसलन कहाँ हो जाती है फिर कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो जहाँ संस्कारों पे फिर अपने आप में लगता है कि मैं स्वयं पे ही ज्यादती करता जा रहा हूँ, मैं खुद के साथ ही अत्याचार की स्थिति में आ रहा हूँ वो भी मैं देख पाता हूँ, तो फिर वहां मैं अपने आप को रिलैक्स भी करता हूँ कि ये वास्तव में मैं अपने साथ क्यों जोर जबरदस्ती करूँ, ठीक है आज संस्कार है तो कल बदलेगा, तो उस पे हम अभ्यास कर रहे हैं रेगुलर सेल्फ कॉन्शियस में रहने का अभ्यास कर रहे हैं, अब वो केवल मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं जितना सेल्फ कॉन्शियस में रहता हूँ उतना तो मैं संगीतमय आनंदमय व्यवस्था में बना रहता हूँ, लेकिन जैसे ही जैसे समाज में कार्य करने के लिए जा रहा हूँ ऑफिस में कार्य करने के लिए जा रहा हूँ तो वहां मुझको लगता है कि बॉडी कॉन्शियस में जैसे ही आता हूँ तो वो टाइम दिखने लगता है, और जहाँ टाइम दिखा वहीं से फिर मेरे को लगता है कि ये तो सब इतना समय चला गया ऐसे चला गया, तो कहीं ना कहीं अभी वो शरीर के आधार पे जो समाज के बीच में जो जीने का आचरण बना हुआ है वो इस चीज को प्रॉब्लम दे रहा है, और हम इससे मुक्त होना ही चाहते हैं कि ये जो सेल्फ जो बॉडी कॉन्शियस है उससे कैसे निरंतर एकदम फ्रीडम रह सके कि उसका प्रभाव हम पे ना बने, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस में रहने का वो एक आनंद ही अलग है, वो संगीतमय व्यवस्था में रहने का आनंद ही अलग है, बस उसमें ये हम फील कर रहे हैं कि उसमें समय बाउंड्री तो नहीं है, क्योंकि जब कल्पनाशीलता में बैठते हैं तो लगता ही नहीं कितना समय में हम हैं, तो इसमें शिफ्टिंग होने में बॉडी कॉन्शियस से सेल्फ कॉन्शियस की शिफ्टिंग में जो समय का होना इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे कि समय को हम ना देखें कोई दिक्कत नहीं, शरीर यात्राएं हमारी अनेक अनेकों आगे भी होती रहेंगी, तो ये बार बार हम ये क्यों तय कर लेते हैं कि नहीं ये इतने समय में होना चाहिए, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उससे कैसे हम बाहर आए, जी ठीक है भैया। तो भैया अभी तो देखिए टाइम हो गया है, हम सबको भी निकलना है ऑफिस के लिए, है ना। इस चर्चा को जी हम लोग कल फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, तब तक हम ठीक लोग ठीक और ध्यान भैया देने की प्रक्रिया पर ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल भैया, जी लेकिन भैया आज ये चीज पकड़ में आई है कि हम कहीं ना कहीं टाइम को पकड़े बैठे हैं इसलिए ट्रिगर हो रहे हैं, ये तो हमने अपने में फील करा आज, ये तो कंफर्म जी है भैया जी भाई, ठीक ठीक धन्यवाद ठीक है, तो भैया, नमस्ते सभी को, है ना। हम लोग इस प्रक्रिया में लगे रहेंगे ध्यान देने की, और कल फिर हम लोग इस पर और आगे बात करते हैं। जी। जी धन्यवाद गोपाल भैया, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा रोज की तरह, तो अभी लीव करने से पहले चैट बॉक्स में जो रेगुलर मैसेज है आने वाली ऑनलाइन वर्कशॉप, दो वर्कशॉप
एक 17th को इंट्रोडक्टरी इंग्लिश और 24th से इंट्रोडक्टरी हिंदी वर्कशॉप ऑनलाइन मोड में है, उसका लिंक दिया है। और इसी लिंक पर आप फेस टू फेस AICT स्पॉन्सर्ड वर्कशॉप जो होने वाली है उसको भी देख सकते हैं। अगर 3 दिन की सेल्फ फाइनेंस्ड वर्कशॉप जो अलग अलग जगह हो रही है उसकी जानकारी चाहिए तो रीजनल कोऑर्डिनेटर की कॉन्टेक्ट लिस्ट का जो लिंक है वो भी दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर लीजिए, उसमें डेली की असाइनमेंट्स आ रही हैं। तो और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वॉलंटियर्स के नंबर जो हैं वो चैट बॉक्स में दिए गए हैं। तो इसी के साथ हम रोक लेते हैं। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।